काफी ज्यादा अमेजिंग आ रही है। बात करेंगे इसके एक्सटीरियर के फ्रंट लुक से, तो जैसे मैं इसके सेंटर में आता हूँ यार, सेंटर में देखने को मिलता है टोयोटा का लोगो, पियानो फिनिशिंग देखने को मिलती है, प्लस गाइस क्रोम की लाइनिंग यहाँ पे आ रही है जो कि इसके लुक काफी एनहांस कर रही है। DRL कंप्लीटली LED में देखने को मिलते हैं। बात करूंगा इसके यहाँ पे हेडलाइट के बारे में, हेडलाइट कंप्लीटली यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलते हैं, बेस मॉडल से यहाँ पे ये ऑफर करते हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट, पियानो फिनिशिंग आ रही है और लुक गाड़ी काफी तगड़ा रहने वाला है। आपको कैसे लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब गाइस बात करूंगा इसके बम्पर के बारे में, बम्पर यहाँ पे सिल्वर डार्क फिनिशिंग दे रखा है, प्लस गाइस हनी पैटर्न में इसकी ग्रिल दे रखी है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। और गाइस जो लुक है फ्रंट का ओवरऑल कुछ इस टाइप यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि गाइस सामने से खड़े हो गए ऐसा लगता है थोड़ा अग्रेसिव लुक है इसका। अब बात करूंगा इसके यहाँ पे साइड लुक के बारे में, लेकिन उससे पहले बताऊंगा इसके यहाँ पे थोड़े बहुत एयर डायनेमिक लुक के बारे में। तो जैसे मैं साइड में आता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें हल्के हल्के कट्स, इतना अच्छा यहाँ पे नहीं है जैसे कि यहाँ क्रेटा का भी है अच्छा है उसका, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्टोस का उसका भी यहाँ पे अच्छा है, लेकिन इसका ओके ओके है लगा मेरे को, क्योंकि कुछ कट्स ज़्यादा नहीं दे रखे इसमें। बट गाइज यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे स्लोप दे रखा है आगे से, मतलब एयर ट्रैक को तो काटेगा लेकिन इफेक्ट हो सकता है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना क्रेटा और सेल्टोस का है। बट गाइज जो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई मानी गई है अपने आप में, अभी तक कोई माइलेज बताया गया है इसका वो 12 से लेके 20 तक का एवरेज दे देती है। तो यार अब बात करूँगा मैं इसके साइड लुक के बारे में, जैसे मैं साइड में आता हूँ तो R17 inches के स्टील यहाँ पे स्टील रिम में हमें यहाँ पे इसके टायर देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाइस ये BS मॉडल है तो BS मॉडल में स्टील रिम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे बात करूंगा तो यार रिक्वेस्ट सेंसर BS मॉडल से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, और यहाँ पे ORVM के अंदर ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं साइड इंडिकेटर, जो यार एक अच्छी बात रहने वाली है, मतलब दिखाता नहीं है, अगर ये यहाँ पे होता तो ऐसा लगता कि BS मॉडल दिखता है, लेकिन यहाँ पे टोयोटा वालों ने इसका काफ़ी ध्यान रखा गया है। और गाइस अब बात करूंगा इसके यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 210mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और गाइस जो टोटल ओवरऑल साइड लुक की गाड़ी है कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करूँगा इसके बैक के बारे में, जैसे मैं इसके बैक में आता हूँ ना तो यार सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सिल्वर सरन फिनिशिंग में टोयोटा का लोगो, पियानो फिनिशिंग दे रखी है, LED यहाँ पे सेटअप दे रखा है, शार्क फिन एंटीना दे रखा है, डीप फोगर आ रहा है यार बेस मॉडल में, डीप फोगर देखने को मिलता है, बैकलाइट देखने को मिलती है, और यार क्या ही चाहिए। और जैसे मैं नीचे की साइड आता हूँ तो यार अर्बन क्रूजर हाई राइडर की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है, यहाँ पे हेलोजन में ही हमारा पार्किंग लैंप का यहाँ पे आता है। और ये गाइस नीचे की साइड अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये रिफ्लेक्टर नॉन फंक्शनिंग में आते हैं, चार यहाँ पे बैक सेंसर दे रखे हैं, मतलब बैक पार्किंग सेंसर हमें प्रोवाइड किए गए हैं, बट यहाँ पे कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यार बेस मॉडल में कैमरे वगैरह का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो यार टोटल ओवरऑल गाड़ी का मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का यहाँ पे हाई राइडर का बेस मॉडल यहाँ पे देखने को मिलता है, और आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाऊंगा गाड़ी अंदर देखने में आपको कैसी लगती है। की चाबी रखते हैं यहाँ पे और गेट करते हैं बंद, लेकिन बंद करने से पहले मैं आपको दिखाने चाहता हूँ कि यार यहाँ पे हमारे सारे कंट्रोल दे रखे हैं, राइट और लेफ्ट मिरर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये कंट्रोल दे रखे हैं, पर चारों विंडो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्रोम में हमारा यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे सिल्वर सरन फिनिशिंग में हमारी गेट फिनिशिंग दिखा रखी है, और यहाँ पे बॉर्डर होल्डर प्लस डॉक्यूमेंट होल्डर देखने को मिलता है, स्पीकर की जगह यहाँ पे दे रखी है डोर के अंदर ही। तो गाइस इस टाइप का यहाँ पे गेट का लुक देखने को मिलता है, करते गेट को बंद, यहाँ पे सॉफ्ट टचिंग में दे रखे हैं, जो कि गाइस एक अच्छी बात है, बेस मॉडल है ये। और गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग अंदर आए हैं यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि राइट गेट खुला हुआ है, जो कि यार वार्निंग सिस्टम इसके अंदर है, ये एक अच्छी बात है, बेस मॉडल से ही आपको ये देखने को मिलता है। अब गाइस हमने गाड़ी को बंद कर लिया, गाड़ी का लुक इंटीरियर कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें स्क्रीन देखने को नहीं मिलती क्योंकि यार बेस मॉडल में ये नहीं आती। प्लस गाइस अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे सीट के बारे में, सीट काफी कंफर्टेबल दे रखी है, डिजाइनिंग में दे रखी है, प्लस गाइस थाई सपोर्ट और यहाँ पे शोल्डर सपोर्ट के साथ ही मिलती है, तो यार गाइस अच्छी बात है, गाड़ी यहाँ पे काफी डिजाइनिंग सीट हमें दे रखी है। और गाइस इंटीरियर लुक की बात करूं तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके डैशबोर्ड से, डैशबोर्ड में हमें स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, प्लस गाइस यहाँ पे हमें बात करूं इस इवेंट के बारे में काफी सिंपल में हमें दे रखे हैं, कोई भी क्रोम फिनिशिंग ज्यादा नहीं दे रखी, सिल्वर सारन फिनिशिंग हमें दे रखी है, जो कि गाइस एक इसके लुक को डिसेंसी प्रोवाइड कर रही है। सेंटर में हमें इमरजेंसी लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे AC इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करता हूँ, पुश स्टार्ट बटन स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ पे AC की स्पीड को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। गाइस कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ गाइस इसी के यहाँ पे लेफ्ट में आते हुए, यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिलता है, AC वेंट के नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पे AC का ऑप्शन देखने को मिलता है, टेम्परेचर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसी के थ्रू आप इंक्रीज ऊपर नीचे करके AC की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। प्लस गाइस यहाँ पे नीचे की साइड हमें यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, AC का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, फ्रंट डिफोकर और रियर डिफोकर का ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एयर थ्रू का ऑप्शन देखने को
मिलता है, जो कि गाइस एक अच्छी बात होने वाली है। जैसे हम इसके नीचे तरफ आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है चार्जिंग का, जो कि गाइस एक सिंपल है और अच्छी बात है गाइस ये। और गाइस जैसे हम इसके ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्लस गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को जो स्टेबल रखते हैं गाड़ी ऑप्शन, वो भी देखने को मिलता है। ओके, जैसे हम लोग इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे सिंपल सा गियर बॉक्स हैंडल, जो कि गाइस एक अच्छी बात है। यहाँ पे 5 गियर बॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। और गाइस इसी के नीचे आते हुए यहाँ पे हमें एक बोर्ड होल्डर देखने को मिलता है, सिंपल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक हैंड रेस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि बेस मॉडल में होना एक अच्छी बात है। मतलब यार हैंड रेस्ट वैसे बेस मॉडल में बहुत कम आते हैं, इसमें दिया हुआ है एक बहुत सही बात है। प्लस गाइस इसी के ऊपर करके छोटा सा स्पेस हैंड रेस्ट के नीचे में दे रखा है। अब गाइस जैसे मैं इसके ऊपर की तरफ आता हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमें सन डिफेंडर दे रखे हैं, जो कि गाइस मिरर के साथ आ रहे हैं, एक अच्छी बात है ये। और यहाँ पे हमारे मिरर दे रखे जो कि हैलोजन में ही है, प्रेस करने पे ये जल जाते हैं हैलोजन मिरर। प्लस गाइस यहाँ पे भी हमारा मिरर देखने को दिखता है, जो कि गाइस एक अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे हमारे हैंडल देखने को दिखते हैं, जो कि गाइस सॉफ्ट क्लोजिंग दे रखे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। टक देसी आवाज आती है, वो अच्छे नहीं लगते, यहाँ पे एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। अब गाइस मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड ग्लव बॉक्स के बारे में, तो यार काफी छोटा दे रखा है, लेकिन गाइस ग्लव बॉक्स में बहुत कम चीजें रखते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो गाइस फ्रंट से इंटीरियर कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, जो कि यार डिसेंट इनफ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे स्टीयरिंग के बारे में, स्टीयरिंग सिंपल सा दे रखा है, सिंपल स्मूथ सिल्वर फिनिशिंग के साथ ही आता है। प्लस गाइस मल्टीपल मोड्स यहाँ पे हैंडल करने के लिए आता है। बट गाइस यहाँ पे हमें वॉइस कमांड का या फिर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि गाइस एक सिंपल सी बात है कि नहीं आएगा, सिंपल सा स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। अब गाइस जाएंगे इस गाड़ी के बैक में और देखते हैं गाड़ी पीछे से देखने में हमें कैसे दिखती है, तो चलते हैं बाहर। पीछे के साइड का लुक कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है गाइस, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। पीछे के यहाँ पे जो डोर है वो भी सिल्वर स्मूथ फिनिशिंग में दे रखे हैं, और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में हमें दे रखा है यहाँ पे डोर हैंडल। प्लस गाइस यहाँ पे एक मिरर कंट्रोल के लिए ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे सॉफ्ट टचिंग में ही हमें यहाँ पे हैंडरेस्ट दे रखा है, हैंडरेस्ट टाइप का यहाँ पे जगह दे रखी है, जो कि गाइस एक अच्छी बात है। अब बैठेंगे अंदर, आगे में ड्राइविंग पोजीशन में बैठा था, अब देखते हैं अंदर बैठ के हमें कितना स्पेस देखने को मिलेगा। गाइस मेरी जो हाइट है यहाँ पे 5'8" 5'9" के आसपास है, और यह जो स्पेस देखने को मिलता है कम से कम 4 से 5 इंच का है, मतलब एक डिसेंट स्पेस देखने को मिलता है। और अब मैं जैसे इसके एसी वेंट की बात करूँ, तो गाइस यहाँ पे हमें एसी वेंट देखने को मिलते हैं, नीचे एक स्पेस देखने को मिलता है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे हमारे इंटीरियर लैम्प दे रखे हैं, सॉफ्ट टचिंग में हमारे यहाँ पे हैंडल से रखे हैं। प्लस गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे स्पेस के बारे में, तो गाइस इस टाइप का स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 2 जने आराम से बैठ जाएंगे। और यहाँ पे हैंडरेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिलता है, प्लस कप होल्डर भी आपको देखने को मिलता है हैंडरेस्ट के अंदर, जो कि गाइस एक बेस मॉडल के हिसाब से बेस्ट बात होने वाली है। अब करते हैं इसको बंद। गाइस इस टाइप का आपको कम्प्लीटली इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है, बेस मॉडल के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। तो गाइस ये था इस गाड़ी कम्प्लीट डिटेल रिव्यू, लेकिन कुछ बातें अभी आपको बतानी, जैसे इसे टॉप स्पीड की रहने वाली है, तो टॉप स्पीड है गाइस आराम से 180 किलोमीटर टॉप स्पीड इसकी रहने वाली है। प्लस गाइस अगर हम बात करें इसके यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। प्लस प्राइस के बारे में, तो 16 लाख के आसपास गाड़ी आपको पड़ जाएगी। तो गाइस ये था इस गाड़ी का कंप्लीट डिटेल रिव्यू, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ ऐसे में रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।